आंटी जी आप क्या कर रही हो? हेलो गाइस, मैं खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो खाने में? खाने में बना रही हूँ चिकन। आंटी जी आपको चिकन इतना पसंद क्यों है? मुझे चिकन इसलिए पसंद है, मुझे कड़ी और चावल पसंद है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करें? हाँ, मास्क पहन लो। क्या पहन लो? मास्क। दीवानसी को मैं हल्की चाय देता हूँ ना, ले ले आराम से। ये भगवान। मैं थोड़ी सी चाय दे रहा हूँ, थोड़ी सी। और दीवान देखो, मैं डाली भी नहीं है, देखो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हम तो बहुत बढ़िया है। देखो मामा क्या कर रहा है। दोस्तों अभी ना मम्मी रेवंशी को सुला रही है, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बाबा आप क्या कर लो? मैं एडिट कर रहा हूँ। देखो वीडियो जूम कैसे होता है। दूध से कहानी सुनाओ। एक बार मामा रह रहा है, उसके बाद लोहियन का जाता है, चूहा इसको बोलता है मेरी मम्मी को मत खाओ रे। उसके बाद मैं आता हूँ, उसके बाद मैं सारे काट देता हूँ। क्या इतने थूक लगा दिया पूरे कैमरे पे यार? रुद्र खराब हो गया ये तो। दोस्तों पिछले ब्लॉग में हम इस कारपेट का प्राइस बताना भूल गए थे, तो ये हमको 3000 का पड़ा और ये काफी अच्छा मटेरियल है। रुद्रांश देवांशी ने पता नहीं क्या क्या गिरा दिया इस पे। पापा और मम्मी ने गिराई है, समझा? ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी रुद्र, आपने प्रॉमिस किया था, सच बता रहा हूँ, आपने प्रॉमिस किया था, आप ऐसी बात नहीं करोगे। सॉरी सॉरी पापा, अब मैं ही बोलूंगा। आज हम लोग घर पे ही हैं और यहाँ दीवानसी को सुलाया जा रहा है, निन्नी कराई जा रही है। दोस्तों रुद्रांश जब शरारत करता है ना, तो मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं डांटता भी हूँ। अभी मैंने डांटा है, देखो मैंने पढ़ाई। लेकिन हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि रुद्रांश ने पढ़ाई कर ली सुबह और अपने आप पढ़ाई कर रहा था, बोलने की जरूरत नहीं थी। तो क्या क्या पढ़ा आपने? A B C D 1 2 और एप्पल की स्पेलिंग बताओ। A double B L E E ठीक है। ओ मेरे बाबू। रुद्र क्या हुआ? मुझसे गलती से हो गया। हाँ बोलो। बाबू ने वापस हाथ डाल दिया, इसलिए पापा मुझे गलती हो गई दरवाजा बंद करके। मैंने देवांशी को नहीं देखा था। हाँ क्यों नहीं देखा? देखो तो क्या? चल कोई बात नहीं। हम लोग अभी देवांशी को लेके मेडिकल स्टोर गए थे, बट सारे बंद हो चुके हैं क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं। लेकिन फिर हमको बताया किसी ने कि हल्दी और कड़वा तेल लगा दो गर्म करके, अब ठीक है देवांशी की उंगली। बट जैसी जब वो फंसी थी ना दरवाजे पे, रुद्रांश से गलती से दरवाजा बंद हो गया था, डर गए थे हम लोग क्योंकि उसका मुलायम स्किन है ना, तो अंदर दब गई थी पूरी उंगली। मामा ने मारा? हाँ। डांटा होगा आपको? नहीं मारा होगा, समझा। दीवानसी हाथ दिखा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और देखो पापा क्या कर रहा है, बिजी नहीं गए पापा? बिजी काम कर रहा हूं, थोड़ा सा जाओ, बहुत अर्जेंट है अभी। और देखो देखो काम। 1 2 3 मम्मी आज क्या बन रहा है? आज आज अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी बोलो क्या बन रहा था? कैरेट बन रहा है। और कैरेट क्यों बन रहा है? ऐसी खाने के लिए। तो आपने अभी बोला ना वही। मैंने कहा मशरूम। नहीं बोला है। क्या बोला? मैंने गाजर का हलवा। हाँ अच्छा। गाजर का हलवा। रुद्रांश दरवाजे को बंद कर रहा था और देवू की उंगली फंस गई उसमें, लेकिन अभी ठीक है। देवू का हाथ अंदर घुसा दिया देवू ने, और तब मैंने बंद करा को चीट। क्यों किया था दरवाजा बंद? सॉरी बाबा।
पापा मेरे से गलती से हो गया दरवाजा बंद। कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, ठीक है? सॉरी देवू। गले मिलो, चल मम्मी को चल। कल हम ऐसे ही काम कर रहे थे और रुद्रांश ने वॉशरूम जा रखा था और देवांशी ने ऐसे पकड़ लिया था यहाँ पर, और रुद्रांश ने ना जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया था और देवांश के हाथ में लग गई। हमने जब उसी वक्त देवांशी का हाथ देखा ना, हम डर गए थे, बिकॉज बच्चों की स्किन ऐसी होती है ना, बहुत मुलायम होती है, हाँ, तो पिचक सी गई थी वहाँ पर। हम रात को 11:30 बजे ही, 11 बज रहे थे आई थिंक, रात को 11 बजे हम सीधा बाहर गए मेडिकल स्टोर में, बट सारे स्टोर बंद हो चुके थे। फिर किसी ने कहा कि हल्दी और तेल लगाना है, गरम गरम तेल करके और हल्दी। सो फिर अभी फर्क है देवांशी को, सोचा कि आपको बता दें। रुद्दू ना काफी इमोशनल हो गया था और देवांशी को गले लगा के रोने लग गया। ऐसी है, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ गले मिलो। देवांशी को मानना पड़ेगा, इतना ठंड में इतनी दर्द होती है, उसने सहा ही। देवांशी सॉरी। देवांशी भी सॉरी बोल रही है, दे दे उसको। कल देवांशी की उंगली ऐसी हो रही थी मोटी, और बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि भैया अलग ही हो गई। चलो देवांशी, गाजर का हलवा खा रही है देवांशी। अरे गाजर का हलवा बनाने में एक्सपर्ट है ये, मतलब कभी भी गाजर का हलवा बन जाता है हमारे घर पे। ठंडियों में तो बनता है यार, ठंडियों में सीजन ही गाजर का होता है। अब बोल रहा है मूली के पराठे बनाओ। अरे भैया मूली कहाँ से लाए हम? नहीं नहीं मेरी चुनकू ले। नहीं दोस्तों, कभी ऐसा होता है ना कि लड़के वाले लड़की देखने गए और लड़के वालों ने बिस्किट और चाय रखी और जो लड़का है ना वो बिस्किट में से सिर्फ बादाम और किशमिश निकाल के खा रहा है और लड़की फिर मना कर देती है शादी के लिए, है ना? हाँ, तो रुद्रांश हलवा खाना है, हलवे के अंदर बादाम किशमिश चुन चुन के नहीं खाना। कहीं हम लड़की देखने गए? एक्चुअली ये वाला इंसिडेंट ना मेरी एक कजन सिस्टर के साथ हुआ था, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ब्रेकफास्ट करेंगे अभी हम सब, और रुद्दू भी कर रहा है। इधर आओ यार, बैठ के करो। ये सब्जी किसकी है? I don't know. मशरूम शायद, रोटी और चाय। थैंक यू। दादा मैं पापा का मोबाइल देख लेता हूँ। पापा आपका मोबाइल देख लूँ? इसको ना हम मोबाइल दे चुके हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट। मैंने आज मोबाइल नहीं देखा। भाई सुबह तुमने मोबाइल देखा था? मैंने आज मोबाइल नहीं देखा। सुबह ही तुमने मोबाइल देखा था? नहीं 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 नहीं। पापा प्लीज मुझे फोन देखने दो। क्यों? मैंने आज फोन नहीं देखा इसीलिए। नहीं देवांशी क्या कर रही हो? कितना खुश हो रही हो ना, है ना? लैपटॉप तोड़ना चाहती हो ना मेरा?